हेलो एवरीवन, माय नेम इज रूप सिंह और आप देख रहे हैं सीएनसी टेक स्किल चैनल। दोस्तों, आज हम सीखेंगे रनआउट होल्डर क्या होता है और बीएमसी एंड एचएमसी मशीन में रनआउट कैसे सेट किया जाता है। आप जैसे सीएनसी का रनआउट सेट करते हैं चक का, सेम उसी प्रकार से हम बीएमसी और एचएमसी का टूल का रन आउट सेट करते हैं और कौन सा होल्डर में होता है, इसके ऊपर आए वीडियो देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, टॉपिक है हाउ टू रन आउट चेक इंस्ट्रूमेंट, मतलब हमें रन आउट चेक करने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट चाहिए, हाउ टू चेक रन आउट कैसे चेक करेंगे और रन आउट कैसे सेट करेंगे और स्पिंडर का रन आउट कैसे चेक करेंगे। चलिए आज इसी टॉपिक पे हम आप लोग से बात करता हूँ। तो देखिए, इंस्ट्रूमेंट के लिए आप सीएनसी का चेक कर रन आउट सेट करते होंगे, आपको पता है कि रन आउट सेट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, बट जिन भाइयों को नहीं पता उनके लिए, एक हमें मैग्नेटिक डायल स्टैंड चाहिए, एक पपी डायल चाहिए जो कि एक माइक्रोन का, हमें एक माइक्रोन का पपी डायल हो तो बहुत बेटर, रन आउट का रिजल्ट देखने को मिल जाता है। अगर 10 माइक्रोन का हो तो मुश्किल मिल पाता, ठीक है, क्योंकि उसका एक एक खाना ही 10 माइक्रोन का होता है जिससे हम पकड़ नहीं पाते हैं मिनिमम रन आउट, ठीक है। उसके लिए हमारी पिन होती है, एक प्रोब होता है, प्रोब इसमें लगा हुआ ऐसे क्लैंप होता है, ठीक है। तो आप लोग को इसके बारे में पता होगा। चलिए आगे चलते हैं। हाउ टू चेक रन आउट कैसे चेक करेंगे। जैसे देखिए, स्पिंडल है ये और ये एंड में लगा हुआ है और ये हमारे पास पपी डायल और मैग्नेटिक डायल स्टैंड है जो कि हम इसके कटिंग एज पे रन आउट चेक कर रहे हैं कि कितनी रन आउट आ रहा है, ठीक है। तो इसमें देखिए, रन आउट चेक सेट दो प्रकार से किया जाता है, एक तो सर्कुलर रन आउट होता है, एक एक्सियल रन आउट होता है। तो आज हम इसी के बारे में, दोनों के बारे में आपको बताएंगे कि सर्कुलर रन आउट क्या होता है और एक्सेल रन आउट क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो चलिए मैं अगले चलता हूँ। देखिए, जो हम रन आउट सेट करते हैं, वो रन आउट कंट्रोलर होल्डर होता है, ठीक है दोस्त। जो हम रन आउट सेट करते हैं वो रन आउट कंट्रोलर होल्डर होता है, तो हम उससे हम रन आउट सेट करते हैं। तो रन आउट कंट्रोलर होल्डर इस प्रकार से होता है, ठीक है, जिसमें हम रन आउट को सेट करते हैं। जैसे हमारे जो भी होल होता है, जो भी फिनिशिंग के लिए होता है, जैसे रिमर वगैरह होता है, पीसीबी रिमर होता है, तो इनकी रन आउट होती है जिसमें 10 माइक्रोन, 5 माइक्रोन या 15 माइक्रोन रन आउट मांग रखी होती है, टॉलरेंस दे देते हैं, उस जगह पे हम रन आउट होल्डर ही यूज करते हैं जिससे हमें अच्छा उसका रिजल्ट देखने को मिले, ठीक है। तो जैसे हमें एकदम होल में उबल्टी आने लगती है या होल ओवरसाइज बनने लगता है, तो वहाँ पे क्या होता है, टॉलरेंस बहुत कम होता है और हमें वो होल बनानी होती है, तो इसलिए हम वहाँ पर रन आउट होल्डर का यूज करते हैं। तो आप लोग पता हो गया रन आउट होल्डर होता क्या है। देखिए, इसमें दो प्रकार से रन आउट सेट किया जाता है, एक तो होता है सर्कुलर जो कि हमें ऐसे ऐसे घूमता रहता है, ऐसे ऐसे हम घूमते हैं, ये सर्कुलर रन आउट है, ठीक है। एक होता है एक्सियल जो किसी भी एक्सिस में हो, एक्स वाई जेड, ठीक है। तो हम एक्सियल रन आउट कहाँ सेट करते हैं और सर्कुलर रन आउट कहाँ सेट करते हैं। देखिए, जैसे हमारा क्या होता है कि डाया कभी कभी ओवरसाइज बनने लगता है, ठीक है, डाया ओवरसाइज या चैटरिंग की प्रॉब्लम आने लगती है डाया में, तो हम उसे सर्कुलर रन आउट से सेट करते हैं। चैटरिंग प्रॉब्लम आती है, डाया ओवरसाइज बनता है या डाया में रिपीटेबिलिटी नहीं आती है, तो हम दोनों का तो सेम रीजन होता है आने का, जैसे एक्सेल रन आउट भी बढ़ जाएगा तो हमें डाया में ओवल्टी देखने को मिलेगा, रिपीटेबिलिटी नहीं आएगा, ठीक है, और 10 माइक्रोन का 5 माइक्रोन का टोलरेंस है तो 20-20 माइक्रोन तक ओवल्टी मारेगा, तो हमारा एक्सेल रन आउट का पंगा होता है। और कभी कभी डाया ओवरसाइज बनना, चैटरिंग आना, वो हमारा सर्कुलर रन आउट का प्रॉब्लम होता है। तो देखिए, जैसे हम रन आउट होल्डर यूज करते हैं,
उसमें दो जगह आप देखे होंगे तो आपको पता होगा, अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा कभी आपको मिले तो। उसमें दो जगह देखिएगा कि एक तो ओडी पे दिया रहता है चार गर्व स्क्रू, और एक उसके नीचे दिया रहता है चार बोल्ट रहता है, और उसके बाद चार गर्व स्क्रू होता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा सीरियस होकर समझिएगा क्योंकि बहुत बड़ी चीज में बताने वाला हूँ यहाँ पे। तो जो कि हमारा सर्कुलर रन आउट होता है वो तो हमें इस ओडी पे हम सेट कर लेते हैं, इस ओडी पे हम सेट कर लेते हैं। जैसे हम डायल को यहाँ लगाएंगे, कॉपी डायल को मैग्नेटिक डायल स्टैंड से, तो हम क्या करेंगे प्रेशर देंगे, और जो हाई हाई पॉइंट होता है, हाई पॉइंट कैसे लेते हैं टूल का वो आपको पता होनी चाहिए, हाई पॉइंट कैसे लेते हैं वो हाई पॉइंट लेंगे। उसके बाद जैसे स्पिंडल घुमाएंगे तो हमें रनआउट मिलेगा, कितना रनआउट आ रहा है टूल का। तो जहाँ हमें हाई पॉइंट मिलता है, जैसे हम टूल घुमाने के बाद हमें पता चल जाता है हाई पॉइंट कहाँ है, हाई पॉइंट जहाँ मिलेगा वहाँ हम एलएम की लगा के इसको टाइट करेंगे। ठीक, थोड़ा सा टाइट करेंगे, और देखिए पहले तो इसको चारों बोल्ट को गर्व स्क्रू को लूज कर लेंगे, और इसमें जो ये चार बोल्ट दिए रहते हैं नीचे से, इसे हल्का सा नॉर्मली टाइट कर लेते हैं हाथ से ही। टाइट करने के बाद फिर रनआउट के लिए घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे जहाँ हाई पॉइंट मिलेगा वहाँ से हम एल की से थोड़ा सा टाइट करेंगे उसे। अब फिर वो टाइट करने के बाद फिर उसे एल की को उस गर्व स्क्रू को लूज कर देंगे। अगर हम गलती यहाँ करते हैं कि इसको लूज नहीं करते हैं, लूज नहीं करने से क्या होता है कि हमें एक्सियल राउंड में प्रॉब्लम आने लगती है। ठीक, तो इसको वहीं पे टाइट किए, और जो हमारा डिफरेंस आ रहा था जितने दूर में हमारी डायल वेरी कर रही थी वहाँ के हम क्या करेंगे 50% उसको करके और इसको लूज कर देंगे। लूज करने के बाद फिर घुमाएंगे, फिर जहाँ हाई पॉइंट मिलेगा उसका 50% करके फिर उसको लूज कर देंगे। तो इसी प्रकार हम घुमाते रहेंगे, लूज करते रहेंगे, तो एक एक कंडीशन आएगा जहाँ पे हमारा डायल 10 मिनट के लिए, 10 सॉरी 1 माइक्रोन या 2 माइक्रोन में आगे सेट हो जाएगा। तो जैसे आपको लगता है कि 2 माइक्रोन में हमारा डायल सेट हो गया, तो हम क्या करेंगे कि नीचे की ये 4 बोल्ट है जो इसे स्पिंडल लॉक करके प्रॉपर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ऐसे टाइट कर लेंगे। जैसे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टाइट हो जाएगा जब पूरे पर, तब क्या करेंगे कि इसमें टूल को नीचे लाएंगे, होल्डर को। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे जैसे इन्होंने सेट कर रखे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे लाएंगे नीचे कटिंग एज पे। ठीक है, कटिंग एज इंसर्ट लगा हो या कटिंग एज है वहाँ पे देखेंगे रन आउट कितने पा रहा है। हमारा यहाँ रन आउट 2-3 माइक्रोन हो गया, ठीक है, बट यहाँ पे कटिंग एज पे रन आउट कितना आ रहा है इसको देखेंगे। यहाँ पे जो रन आउट आ रहा है उसको हम कैसे सेट करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ दिखाया गया है, ये हमारा एक्सेल रन आउट सेट करने के लिए दिया गया। तो जैसे हम यहाँ पे डायल लगाएंगे एज पे, जिस एज पे ज्यादा आ रहा है उसके नीचे आपको ये चार गर्व स्क्रू मिलेगा, और एक एक में एल एन की लगा हुआ भी चार गर्व स्क्रू है, और चारों गर्व स्क्रू को जहाँ प्रेशर हमें हाई मिल रहा है वहाँ उसको धीरे धीरे टाइट करेंगे। जैसे हम यहाँ सेट किए सेम कंडीशन यहाँ होता है, बट यहाँ पे क्या होता है जो गर्व स्क्रू होता है उसे लूज नहीं करते हैं, यहाँ पे लूज करना होता है। ठीक है, इसमें लूज नहीं करते हैं, हल्का हल्का प्रेशर दे के, अगर मान लीजिए बाई चांस ज़्यादा प्रेशर हो जाता तो वहाँ पे लूज कर देते हैं, बट अगर हमारी जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी मैंने प्रेशर दी है तो वहाँ हमें लूज नहीं करना होता है। ठीक, ऐसे ही घुमा घुमा कर चारों जगह हम सेट कर देते हैं। इससे क्या होता है हमारा एक्सेल रनआउट जो हमारी ओवल्टी होती है, जितना माइक्रोन आपका ये कटिंग एज पे हमारा सेट हो जाएगा रनआउट, उतने माइक्रोन हमारी ओवल्टी आएगी। ठीक है, अगर 0 कर दीजिएगा तो 0 आएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर ये समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करना, अगर नहीं आया हो तो कमेंट करना, जरूर आपको हेल्प की जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।